डॉक्टर के विद्यार्थियों, अभी जो हमारी क्रमिक क्लास हुई है उसमें आगे आज जो टॉपिक हम उठा रहे हैं, आज जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वह साहित्य के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और हर साहित्य की परीक्षा में, चाहे वो बीए पार्ट की हो या स्नातक अधिस्नातक स्तर की परीक्षा हो, सभी में उससे जुड़े हुए प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। यह जो टॉपिक है यह हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास को समझने में हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल के बारे में और उसके नामकरण से जुड़े हुए कुछ विवादों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। ये हमने पढ़ लिया कि ग्रियर्सन से लेकर और आधुनिक इतिहास लेखकों सभी ने हिंदी साहित्य का काल निर्धारण इतिहास में और उसका नामकरण करने की कोशिश की और अपने अपने मत से, अपने अपने समझ से, सूझबूझ से हर प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए हर कालखंड का एक नाम निश्चित किया। अब जो नाम निश्चित किए गए थे ये जरूरी नहीं कि वो सभी के लिए सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिए गए थे, ऐसा नहीं था, बल्कि कहीं ना कहीं विद्वानों के बीच में उस नामकरण से संबंधित बहुत सारे प्रश्न अवश्य थे और जब ये प्रश्न बहुत ज़्यादा हो गए तो काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ और नामों के ऊपर आलोचकों के मध्य में आपसी खींचतान भी हुई। तो आज हम सबसे पहले हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था उससे संबंधित नामकरण के जो प्रश्न पर जो विवाद हुए थे उनसे संबंधित चर्चा करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक साहित्य में हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल था उसकी समयावधि जहां लगभग लगभग सभी विद्वानों ने 1050 के बाद, जो कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा ठहराई गई थी, उसके बाद स्वीकार की है। कुछ ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपभ्रंश काल से भी हिंदी साहित्य की शुरुआत मान ली गई है। तो अब हम यहाँ पर कालखंड की चर्चा न करते हुए हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जो नाम दिए गए थे और उन नामों से जुड़े हुए जो विवाद थे उससे संबंध में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक लिस्ट बनाई है और इसमें हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को जो नाम दिए गए हैं और इधर उस सूची में जो नाम देने वाले विद्वान हैं उनका मैंने उल्लेख किया है। एक बार इनको जल्दी से पढ़ लेते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को चारण काल कहा ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने अपने वर्नाकुलर ग्रंथ में इसको चारण काल नाम दिया। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने इसे प्रारंभिक काल कहा। इसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल कहकर संबोधित किया। राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल के नाम से संबोधित किया। वहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग को बीज वपन नाम से संबोधित किया, बीज वपन काल नाम से संबोधित किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे वीर काल के नाम से संबोधित किया और उसके बाद डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदि काल के नाम से संबोधित किया। उसके बाद भी नामकरण के छुटपुट प्रयास होते रहे और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसे संधि काल एवं चारण काल नाम से संबोधित किया। अब संबोधन तो कर दिया उन्होंने लेकिन कोई भी नाम अभी तक में बहुत ज्यादा स्पष्ट नहीं था और अपने आप में परिपूर्ण भी नहीं था, तर्कसम्मत भी नहीं था। तो अब हम यहाँ एक एक नाम की चर्चा करेंगे और हम ये देखेंगे कि वह नाम उस कालखंड के लिए उपयुक्त सिद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हम डॉक्टर ग्रियर्सन द्वारा जो साहित्य प्रारंभिक साहित्य को जो चारण काल कहा गया इसके बारे में विचार करेंगे। डॉक्टर ग्रियर्सन ने चारण काल नाम उस युग में, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक युग में, चूंकि चारणों से जुड़ा हुआ काव्य अधिक मात्रा में रचा गया था इसलिए इसका नाम चारण काल कह दिया गया। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या केवल चारणों ने ही उस युग में साहित्य का सृजन किया था? उस युग में चारणों के अलावा भी बहुत अधिक मात्रा में लौकिक साहित्य भी रचा गया था,
बहुत अधिक मात्रा में धार्मिक साहित्य भी रचा गया, जैन साहित्य बहुत मात्रा में लिखा गया था, इसके अलावा सिद्ध और नाथ साहित्य भी भरपूर मात्रा में मिलता है। तो अब एक सीमित चारण काल कहने से साहित्य की जो प्रवृत्तिगत विशेषता थी वो एक हिस्से को तो उभार दिया उन्होंने चारण काल, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है वह दबा सा प्रतीत होता है। इसलिए अगर हम सिर्फ चारण काल के नाम से ही इस युग को संबोधित करें तो यह कहीं ना कहीं त्रुटिपूर्ण सिद्ध होगा। इसलिए चारण काल नाम को सर्वसम्मति से हम ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम चारण काल स्वीकार कर लेते हैं तो हिंदी का जो प्रारंभिक काल था जिसमें चारणों के इतर भी, यानी केवल चारण ही एकमात्र व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने उस युग में साहित्य रचना की, बल्कि उस युग में सामान्य कवि भी थे, सामान्य भक्त लोग भी थे, जैन धर्म के लोग भी थे जिन्होंने उस दृष्टिकोण से अपना साहित्य सृजन किया था, तो वह दृष्टिकोण इसमें धुंधला सा नजर आएगा। इसलिए चारण काल को सर्वसम्मति से स्वीकार करना पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आता है नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दर्शाया गया वीर गाथा का। अब यह सत्य है कि इस युग में रासो काव्य बहुत ज्यादा लिखे गए, रासो अर्थात युद्ध विषयक काव्य, क्योंकि उस समय जो रासो ग्रंथ थे उसकी जो मूल विषय वस्तु थी वो अधिकतर युद्धों से जुड़ी हुई होती थी। तो रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण में चूंकि उस समय के काव्य में युद्धों की प्रधानता रही है और अधिकांश काव्य जो है ये युद्ध विषयक थे, इसलिए रामचंद्र शुक्ल ने इसे वीर गाथा काल, क्योंकि वीरों की गाथाएं उस युग में बहुत ज्यादा देखने को मिलती हैं। जो चारण जो लोग थे, भाट जो लोग थे, उन्होंने युद्धों से संबंधित भरपूर वर्णन, जोरदार वर्णन, अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन उस काव्य में किया है, इसलिए रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल नाम दिया जाना उनके दृष्टिकोण में सही प्रतीत होता है। लेकिन यदि हम एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण से इस नाम की व्याख्या करें तो हमें ये लगता है कि रामचंद्र शुक्ल का जो वीर गाथा नाम दिया जाना भी पूरी तरह से उपयुक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो युद्ध काव्य जो होते थे वो मूलतः प्रेम संबंधी काव्य भी होते थे, अर्थात युद्ध का जो वर्णन था वो राष्ट्रवादी भावना से ओतप्रोत नहीं होकर केवल किसी स्त्री या नायिका को पाने के लिए युद्ध अधिक होते थे। इसके अलावा युद्धों के अलावा भी बहुत सारी विषय वस्तु उसमें, श्रृंगार एक महत्वपूर्ण वस्तु थी, जो लौकिक जो काव्य रचे गए उसमें मनोरंजन और श्रृंगार एक महत्वपूर्ण वस्तु होती थी, जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जो साहित्य रचा गया उनकी भी एक अलग से विशेषता होती थी, जैन जो साहित्य के ग्रंथ लिखे गए उसकी भी अपनी महत्वपूर्ण विशेषताएं होती थी। तो इस दृष्टिकोण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये जो नामकरण का जो फॉर्मूला दिया गया, जो नामकरण दिया गया, वो भी सर्वसम्मति से स्वीकार करने लायक नहीं था। कहीं ना कहीं उसमें भी एक भाव तो आ गया, एक केंद्रीय भाव तो था, लेकिन इसके अलावा जो दूसरी विशेषताएं थी साहित्य की वो कहीं धूमिल हुई जान पड़ती है। अतएव आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भी जो नामकरण है हिंदी के प्रारंभिक काल के संबंध में वो भी दोषपूर्ण या दोषपूर्ण कहा जाएगा, उसे पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं कहा जा सकता। ये दो हमने आलोचकों की चर्चा की है। इसके बाद राहुल सांकृत्यायन ने इसे सिद्ध सामंत काल नाम दिया। अब राहुल सांकृत्यायन को थोड़ा सा हमें समझना होगा, यहां पर राहुल सांकृत्यायन दो नाम सुझा रहे हैं, एक तो सिद्ध और दूसरा सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों की रचनाओं को, क्योंकि उस समय तक सिद्ध और नाथ साहित्य बहुत ज्यादा उन्नति पर था, और इसके अलावा जो सामंतवादी युग था, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन का ये जो नाम सामंतवादी सामंत नाम दिया गया है ये उस समय के राजनीतिक दृष्टिकोण से प्रेरित है, क्योंकि उस समय सामंत युग था और सामंतों के आश्रय में ही रहकर ये कवि लोग उस समय की रचनाएं कर रहे थे। तो राहुल सांकृत्याय ने इसका नाम सिद्ध और सामंत काल दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल सांकृत्यायन की यह सोच तो उस पर लागू होती है, लेकिन इस नामकरण में वो थोड़ा सा एक 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 किस्म का
संकीर्णतापन दिखा गए, क्योंकि अगर हम ये बात माने कि सिद्ध काल था तो सिद्ध के अलावा नाथ साहित्य भी भरपूर मात्रा में लिखा गया और नाथ साहित्य तो आज भी लोगों के लिए प्रेरणास्पद है, तो कहीं ना कहीं सिद्ध साहित्य से ज्यादा आज भी नाथ साहित्य का वजूद अधिक है और नाथ साहित्य का कहीं उल्लेख राहुल सांकृत्यायन ने नहीं किया। इसके अलावा राहुल सांकृत्यायन ने दूसरा नाम दिया इसको सामंत काल, तो लेकिन सामंत काल भी अगर नाम अगर उसकी आलोचनात्मक पक्ष देखा जाए तो सामंत युग भी बहुत ज्यादा उचित नहीं है, क्योंकि सामंतों के अलावा भी बहुत सारा काव्य सृजन स्वतंत्र रूप से किया गया। आपका पूरा जैन साहित्य, पूरा नाथ साहित्य, पूरा लौकिक साहित्य जो है वह स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र कवियों ने किया था, अतः यह नाम भी देना सुस्पष्ट और तर्कसंगत नहीं है।